पहला एग्जांपल, सपोज करो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मास m है और रेडियस r है। इस स्फीयर के साथ एक और सॉलिड स्फीयर है, सेम मास m, रेडियस r। मेरा क्वेश्चन है कि आपको इस सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है इसके अबाउट आई निकालना है क्या होगा, और एक का नहीं दोनों स्फीयर्स का आई इसके ऊपर ही निकालना है क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। जब दो बॉडीज हैं एक एक करके शुरू करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि ये पहला सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का कॉन्ट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस एक्सिस पे क्या रहेगा। ये एक्सिस के सेंटर से पास कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो फर्स्ट का क्या रहेगा, 2/5 एम आर स्क्वायर। हमने फॉर्मूला किया ना कि अगर कोई एक्सिस सेंटर से पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। डन, नेक्स्ट। अब अगर कोई एक्सिस, अब सेकेंड स्फीयर की बारी है, सेकेंड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे कितने हैं, अगेन 2/5 एम आर स्क्वायर, पर आपसे पूछा ही नहीं इस एक्सिस पे, आप फालतू में निकाले जा रहे हो, आपसे कहां पूछा, इस एक्सिस पे। तो एक काम करना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी, क्योंकि दो एक्सिस आपस में पैरेलल है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, आर, और आर कितना, 2r। तो मेरे को इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे पता है। अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इधर देख लो, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से इस एक्सिस पे शिफ्ट करना है, शिफ्ट का मतलब इसके अबाउट निकालना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, इंटू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर भी हो जाएगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इसको इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, दोनों एक्सिस में दूरी 2r है तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू 2r स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब दोनों एक्सिस सेम हो गए, इन्हें ऐड करके आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल क्लियर है कि एक्सिस कॉमन करके कैसे, देखो ए का तो वैसे निकल गया और दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे सपोज क्वेश्चन है, इस बार आपको चार स्फीयर दे रहा हूं, 1, 2, 3 और 4, चारों सॉलिड स्फीयर हैं, इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है, ए ए ए ए और ए, सभी सॉलिड स्फीयर्स का जो मास है वो एम है एंड रेडियस क्या है, आर है। ठीक, क्वेश्चन है मेरे को जो आई निकालना है वो इसके अबाउट निकालना है, चारों स्फीयर्स का आई क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, ये क्वेश्चन है, इस एक्सिस के अबाउट आई क्या होगा चारों स्फीयर्स का, ये क्वेश्चन है। एक एक करके करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्फीयर, पहले सॉलिड स्फीयर का ये एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रहा है तो ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा बोलो, 2, क्या कंट्रीब्यूट करेगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, बात हो गई खत्म, फर्स्ट का आंसर आ गया, क्लोज। नेक्स्ट सेकंड का,
सेकेंड सॉलिड सॉलिड स्फीयर के सेंटर से ही एक्सिस पास कर रहा है, तो ये भी क्या कंट्रीब्यूट करेगा, 2/5 mr², ये भी क्लियर है क्योंकि इसी ये सेंटर से ही पास कर रहा है एक्सिस, तो 2/5 mr² 2/5 mr². तीसरा स्फीयर ये रहा। अब तीसरे स्फीयर में ये अगर एक्सिस लें तो इस एक्सिस में इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 2/5 mr² पर, पूछा किसने है तो हमें तो इसके अबाउट पूछा है, तो इस एक्सिस को इसके ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो क्या आंसर आएगा, 2/5 mr² तो होगा ही होगा प्लस m इंटू a का स्क्वायर भी होगा, तो 2/5 mr² प्लस ma², कोई डाउट इसमें, क्लियर यहां तक। ठीक, नेक्स्ट है ये स्फीयर, इस स्फीयर का आई 2/5 mr² तो होगा ही होगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, इसको इसके ऊपर शिफ्ट करें तो इनके एक्सिस में डिस्टेंस कितना है a, तो 2/5 mr² प्लस ma² आंसर ऐड कर लेना ऑब्जेक्टिव में आएगा, मार्क कर लेना आंसर।